मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। आओ खुद अपनी मेहनत से रोजी कमाएंगे, सबसे प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। आओ मिलकर एक नया इतिहास रचाएंगे, पढ़ लिख कर इस देश को साक्षर बनाएंगे। स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर, एकता की भावना का विकास और अनुशासन, इन सभी विशेषताओं का एक मुख्य स्रोत है खेलकूद। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाकर उसके खुद के विकास के लिए समाज के विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर खेलकूद का आयोजन कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है, आइए देखें। भाइयों, आज आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? भाई आज पढ़ाक मन नहीं, हाँ। आज कोनो और बात की जाए, हाँ। तो खेल वगैरह की, कोनो खेल खेला जाए, ठीक है, कोनो खेल वेल हो जाए, ठीक है, ठीक है। आज हम लोग खेलों के बारे में ही बात करते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, आप लोग गांव में कौन कौन सा खेल खेलते हैं? मैं कबड्डी खेला था, गुल्ली डंडा खेला जाता है, गोलियो तो खेला है, रस्सा कसी होता है। ये सब तो हुए गाँव के खेल, इसी तरह शहर में भी कई खेल खेले जाते हैं, जैसे हॉकी है, क्रिकेट, गेंद बल्ला, हाँ समझो, और फुटबॉल है, फुटबॉल, हाँ। तो आज हम लोग इन्हीं खेलों में से ही कोई खेल खेलते हैं। अरे कबड्डी का है ना ख्याल आ जाए, कबड्डी, अच्छा ठीक है, तो आज हम लोग कबड्डी खेलते हैं। अरे अरे भैया कैसी बात करत हो, का हम लोग छोटे छोटे बच्चा है? देखो भैया, तुम हमसे ये बताए रहो कि हम यहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये खातिर हम अपने घर के बहुत जरूरी जरूरी काम छोड़ के आए हैं। हम यहाँ पढ़े लिखेंगे, खेलेंगे नहीं। हाँ, इसके मतलब जमुना भैया तुम्हें खेल खेलना पसंद नहीं है? अरे भैया, इमें पसंद और नापसंद की कौन सी बात है? देखो भाई, हम साफ कह दे रहे हैं, हम आए हैं यहाँ पढ़े खातिर, आप लोग खेलो खेल और हम तो चले अपने घर। बड़ा आया काम वाला है, तो काम है, कोई काम है नहीं, बहुत काम लग चला। तो ठीक है, आज हम लोग कबड्डी खेलते हैं। आप सभी लोग कबड्डी खेलने के नियमों के बारे में तो जानते ही है ना? लेकिन एक बात है, पाला खींचने के लिए हमें चूना कहाँ से मिलेगा? चूना? अरे उता जमुना के घर में धरा है। तो ठीक है, मैं खुद जमुना भैया के घर जाता हूँ और चूना लाता हूँ और उन्हें भी मना के ले आता हूँ। तब तक आप सारे लोग उनके घर के पिछवाड़े जो मैदान है ना, वहाँ पहुँचिए आप लोग। रुकिए और चर्चा कीजिए, क्या खेल कूद को प्रौढ़ शिक्षा का एक अंग होना चाहिए? क्यों? आपके इलाके में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? आप प्रौढ़ शिक्षा में खेल को किस प्रकार शामिल कर सकते हैं? क्या बड़ी उम्र के लोग भी खेलते हैं? क्यों? अरे 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 हटो जरा, चलो लो स्लेट पकड़ो, खड़े हो, देखो कैसे खेला जाता है। हाँ। ये
राम राम चंद्रा भैया। अरे राम राम भैया, राम राम। अरे भाई आप तो कह रहे थे खेलकूद बच्चों के लिए होता है, आखिर मन माना नहीं, अरे खेले लगे बच्चन के साथ है। कहा बताई भैया, अब हम सोचे लाओ थोड़ा सा इन बच्चन को सिखा दिया जाए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कौनो बात नहीं, कौनो बात नहीं। एक बात है जमना भैया, आज हम सब लोगों ने तय किया कबड्डी खेलेंगे, तो आपको अच्छा, भी कबड्डी अच्छा। खेलना है। लाओ भैया, लाओ स्लेट, लाओ। हाँ। तो आप अपने घर से चूना ले लो और आपके घर के पिछवाड़े जो मैदान है वही सब खेल ले। चले गए, चलो और साथ साथ। अच्छा अच्छा, चूना ठीक है, चलो भैया चलो। देखा आपने, अक्सर ऐसा ही होता है, लोगों को खेलने में रुचि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जमुना की तरह कई लोगों को खेलने में आनंद आता है, पर जब स्वयं खेलने की बात आती है तो उनको संकोच होता है, क्योंकि उनका अपना माहौल और सोचने का ढंग है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुदेशक उनका सही मार्गदर्शन करे और प्रोत्साहित करे, साथ ही उनको ये भी बताए कि खेल मात्र बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के लोगों के लिए है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। हाँ तो भाइयों, आप सब लोग तैयार है ना? कबड्डी खेलना जानते हैं आप लोग? तो चलिए अब आप लोग अपने अपने पाले में जाइए और खेल शुरू करिए। चलिए अपने अपने पाले में जाइए। हाँ प्रधान जी। हाँ तो देखो भैया, हम तीन बोलब तो खेल स्टार्ट, ठीक है? चालू जाओ, एक सुई तीन, चलो जाओ चलो जाओ। कबड्डी 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 चल कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा चुप पे खड़ा रहो, चुप पे खड़ा रहो, निकाल बाहर कर दे। खेल में झगड़ा किया जाते कहीं? ऐसे खेलियो तुम लोग, एक गांव के रहे वाले सब आपस में झगड़ा करो। अरे वो बेईमानी कर रहे हैं, यही सिखाया मैंने आप लोगों को। ये सब प्रेम कर खेल है, आपस में मिलजुल कर खेल जाते हैं। तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, कीमा कीमा झगड़ा कर रहे हो, उनका बुलाओ उधर। ये सांस लेने के लिए आ रहा है, और कौन कीमा झगड़ा हो रहा को रहा है? हम से बाबा आ जाओ, दोनों गले मिलाओ, सब भाई भाई झगड़ा कर रहे हो। हां शाबाश, चलो खेलो, चलो भैया चलो चलो, खेल शुरू करिए। कई की बारी है? हां अच्छा बारी है, चलो। हां कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ तो भैया आप लोग बहुत अच्छा खेले, देखो भाई हम बहुत खुश हुए,
और यही तरह अगर खेलत रही हो तो कौनो दूसरे टीम से हम भिड़ा दे, समझो, और उमा जीती हो तो इनाम पाइयो। और क्या भैया? अरे प्रधान जी, हम लोग अगर इतना बढ़िया खेले हैं तो कहे ना पास वाले गांव से हम लोगों का मुकाबला करवा दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहे तुम प्रधान जी, ऐसा करो हम वो गांव के प्रधान जी से बात कर ले, बस और हुई सकी तो 15 अगस्त आए वाला है। यू बिल्कुल ठीक कहो, बहुत अच्छा दिन है, वही दिन कराए दे, ठीक है ना? तो पक्का समझो। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के खेल लोकप्रिय हैं। यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया है जिसके द्वारा खेलों के महत्व और उससे होने वाले लाभों को दिखाया गया है। अनुदेशक को चाहिए कि अपनी सुविधा अनुसार प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर खेलों का आयोजन करें। सब लोग खेलने के लिए तैयार हो? हाँ। देखो ये जो ये बंधा हुआ है ना, ये बीच की लाइन है, समझ गई? हाँ। और ये रहा तुम्हारा पाला और ये रहा तुम्हारा पाला, ठीक? हाँ। अब इतना जोर अगर तीन लोगों ने लगा लिया कि तुम्हें अपनी तरफ घसीट लाए तो ये जीत जाएंगे, और अगर तुम इन्हें अपनी तरफ घसीट लाई तो तुम जीत जाओगे। अब इसलिए तुम लोग को अपनी भरपूर ताकत लगानी है, ठीक? अब बोले 1 2 3। चलो सब लोग तैयार, 1 2 3 और लगाओ 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 अच्छा ये बता कि तुम्हें जीत कर कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आया दीदी, फिर खिलाओ ना एक बार। दीदी खिलाओ, दीदी हमें तो बहुत मजा आ रहा है। अरे दीदी, हम तो सोचते थे सब बच्चे ही खेलते, मगर ये तो हम सब लोग साथ साथ खेले तो बहुत मजा आ रहा है। दीदी बड़ा कह रहे थे ना कि मजा आता है, लेकिन तुम मानती नहीं थी। अच्छा हाँ ठीक है, आप फिर से खिलाएंगे। तुम लोग हार गई ना, जानती क्यों हार गई? अरे इसमें धक्का नहीं लगा, ये बात नहीं थी, तुम सब ने मिलके नहीं खींचा। अगर सब एक साथ ताकत लगाते जैसे उन लोगों ने किया था तो तुम सब जीत जाते। दीदी अभी इन सब की वजह से हम हार गए, अब के हम सबको हरा के छोड़ेंगे। तुम लोग जाओ उधर, हम अकेले इसको खींचेंगे। सर सच में? चलो अच्छा देखते हैं, ठीक है चलो चलो सज्जन चलो। हाँ इनका बांधे दो, आओ आपकी कौन खींची देखिए। हम आओ कैसी थी दीदी तने? अरे नहीं बस 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 ठीक है, बस खैची नहीं खैची नहीं ना खैची नहीं खैचो और खैचो और प्यारी और लगा जोर, कहाँ करती है लगा जोर और लगाओ और लगाओ और लगाओ तुम तो। अरे रे 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 और लगाओ और लगाओ और लगाओ। अरे खींचो खींचो। नमस्ते नमस्ते, क्या खेल बेटा? नमस्ते। केंद्र पर बहने आई थी, हमने सोचा चलो इन्हें एक खेल खिलाते हैं। चलो चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाई के अलावा खेलो तो होएगा चाहे ना। और सब बढ़िया है बिटिया? हाँ, सब खुशी सब मंगल है। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ तो चलो, हाँ चलो शुरू चलो। और जोर लगाओ और लगाओ और लगाओ और लगाओ जोर लगाओ और कसके और अरे दे 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 इतना मत खींचा करो बाबा। तुम लोग दो थी और उधर 6 लोग और 5 लोग थे, तब फिर तुम कैसे जीत सकती थी? इस खेल में जितने लोग इधर होते हैं उतने ही लोग उधर होने चाहिए और फिर भरपूर ताकत लगानी चाहिए, तब जीत किसकी होती है इस पे निर्भर करता। आपने देखा कि खेलना तो सबको अच्छा लगता है, आपको ध्यान देना यह है कि खेल को भी पढ़ने लिखने और गिनने का एक माध्यम बनाएं। दलों तथा दलों के खिलाड़ियों के नाम बोर्ड पर लिखवा सकते हैं, दलों द्वारा प्राप्त अंकों की गिनती बोल कर कराई जा सकती है, खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई की माप आप करा सकते हैं।
प्रति प्रतिभागियों की रुचि पूरी तरह जग जाए तब आसपास के गांव में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए समुदाय का सहयोग भी लें। ऐसा है कि भाई पढ़ाई लिखाई तो आप लोग बहुत ढंग से कर रहे हो है? हाँ, और इनके साथ साथ कुछ खेलकूद भी होते भाई तुम्हारा है? सब लोग खेल कबड्डी खेले, 15 अगस्त का मुकाबला है, 15 अगस्त का मुकाबला है। आप ये खेलकूद के बारे में थोड़ी विस्तार से बताए के लिए देखो आज हमारे बीच में मित्तल बाबू आए हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई में तो रुचि लेकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये तो हमें मालूम पड़ता ही रहा था, मगर खेल में भी रुचि ले रहे हैं ये जान करके बहुत खुशी हुई। तो आप लोग ये बताइए कि खेल में कैसा लगता है आप लोगों को? अरे बहुत नीक लागत है और मनोरंजन भी होते है। अरे प्रेम व्यवहार की भावना जागरूक होते है आपस में, मेल जोल हुई जाता है। इसका मतलब कि खेल जो है आदमी को शारीरिक रूप से हृष्टपुष्ट तो बनाता ही है, उसका मानसिक विकास भी करता है, आपस में भाईचारा और एकता की भावना को भी बढ़ाता है। इसका मतलब खेल बहुत जरूरी है, तो आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी पूरा पूरा भाग लेना चाहिए। हाँ भाइयों, हमारे गांव में भी जोरन के मुकाबले की तैयारी हो रही, अब आप लोग भी मुकाबला करो, फिर मजा आई। अच्छा एक बात जान लो सब, जैसा पड़ोस वाले प्रधान जी बताई है कि जो भी टीम जीती है वही का इनाम मिली, अब तुम लोग सब समझ गए हो ना? अब तुम लोग सब ऐसा करो कि मैदान में जितना उबड़ खाबड़ है उसका सब साफ कर दो, ताकि तुम लोग की तैयारी में कोनो दिक्कत ना हो। अच्छा। ठीक है ना? जाओ। अच्छा। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में खेलों के आयोजन में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, प्रतिभागियों को खेल का महत्व समझाना, खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, प्रतिभागियों की सुविधा और रुचि के अनुसार खेलों का चयन करना, खेलों के आयोजन में समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, खेलों से मिली सीख पर प्रतिभागियों से चर्चा करना, खेलों के जरिए लिखना पढ़ना और गिनना सिखाना।